दिल्ली के भजनपुरा इलाके में पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रहे एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये छात्र अपने एक चचेरे भाई के साथ आया हुआ था, जहां उनका किसी आदमी से मामूली विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने उन पर चाकू से हमला बोला। यह हमला उन पर सरेआम भीड़भाड़ वाले इलाके में किया गया। इस हमले में दोनों बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि बाद में परीक्षा देने आए छात्र की मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक का नाम था प्रेम शानुबोल, उम्र 21 साल, और दूसरे का नाम है देव शर्मा, उम्र 30 साल, और दोनों को स्टैब इंजरी है। और एक जो पेशेंट थे हमारे प्रेम शानुबोल 21 साल के, वो ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। उनके दिल के नीचे किसी नुकीली चीज से वार किया गया था। दिल्ली के लोगों को नए साल से पहले थर्ड डिग्री टॉर्चर का सामना करना पड़ सकता है, यानी तापमान 3 डिग्री तक लुढ़कने का अनुमान है, जिसकी वजह पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी। अब तो पहाड़ों के पास बहने वाले तमाम नदी और नाले जमने लगे। लाहौल स्पीति के पास बहने वाली चंद्रा नदी के बीचों बीच सफेद रंग का रास्ता दिखने लगा है, जो ठंड की वजह से जमा हुआ नदी का हिस्सा है। पहाड़ों से लगने वाला नदी का किनारा भी बर्फ में बदल गया है। पहाड़ तो पहले से बर्फ से ढक चुके हैं। पर्यटकों के लिए कुदरत का ये नजारा खूबसूरत हो सकता है, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में यही बर्फ कपकपी छूटने की वजह बन रही है। हालात केवल लाहौल स्पीति में ही खराब नहीं है, उत्तराखंड में मसूरी का भी हाल ऐसा ही है। पर्यटकों के लिए बनाए गए छोटे छोटे पार्कों में भी पानी पर बर्फ की परत जम चुकी है। बर्फबारी की वजह से पहाड़ी रास्तों का रंग ही सफेद हो चुका है। हालांकि सैलानी इस मौसम का मजा ले रहे हैं, और पहाड़ों पर जमी बर्फ की वजह से कई शहरों में तापमान शून्य से भी नीचे पहुंच चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में दिसंबर में पिछले कई सालों में ऐसी बर्फबारी नहीं हुई। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में भी लोगों को जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। श्रीनगर में डल झील जम चुकी है। झील पर जमी बर्फ की परत हर दिन मोटी हो जाती है। झील पर बर्फ जमने की वजह से ही झील पर बुलबुले दिखने लगे हैं। इन बुलबुलों को देखकर ही समझा जा सकता है कि पानी पर बर्फ की परत जमी है। इसी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लोग हाथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे शीशे का कोई बड़ा टुकड़ा हो। हालात यहाँ भी वही है। पहाड़ों में रहने वाले लोग ठिठुर रहे हैं और पर्यटक मजा ले रहे हैं। यहाँ पे आज बहुत है, पिछले 2-3 दिन से पूरा दिल्ली भी फ्रीज हुआ है। वेरी नाइस व्यू एंड इट वेरी कूल, बट द सीनरी इज वेरी नाइस। सीरियसली आई विल टेल माय फ्रेंड्स टू कम हियर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो बर्फबारी का नजारा देखने पहुंचे हैं। लेकिन दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों के लिए ये बर्फबारी आफत बन गई है। लोगों को कई साल बाद दिसंबर में ऐसी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार की सुबह दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान महज 3.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये इस मौसम का अब तक का सबसे ठंडा दिन रहा। 27 और 28 दिसंबर को भी सर्दी में राहत नहीं मिलने वाली है। दोनों दिन तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान है। लेकिन सबसे बड़ी आफत का सामना दिल्ली के लोगों को 29 और 30 दिसंबर को करना पड़ सकता है। नए साल से ठीक पहले इन दोनों दिनों में दिल्ली का तापमान 3 डिग्री रहने का अनुमान है। 3 डिग्री का यह तापमान थर्ड डिग्री टॉर्चर इसलिए भी होगा क्योंकि इन दोनों दिनों में दिल्ली का अधिकतम तापमान भी 2 से 3 डिग्री तक गिरने की उम्मीद है। 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक दिल्ली में शीतलहर चलने का भी अनुमान है, यानी ठंडी हवाएं चलेंगी जो लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर देंगी।